विधानसभा का सत्र चले और हंगामा ना हो ये संभव ही नहीं। सदन के अंदर या फिर बाहर हंगामा तो होना ही है। बजट सत्र के पहले दिन से ही जहां सदन के अंदर सत्ता पक्ष के विधायकों ने तीखे सवाल दाग रही है, वहीं सदन के बाहर बीजेपी विधायकों ने प्रदर्शन किया। गौरतलब है कि झारखंड में अभी सबसे ज्वलंत मुद्दा युवाओं को रोजगार, नियोजन नीति और स्थानीय नीति है। इसी मुद्दे को लेकर बीजेपी लगातार सरकार पर निशाना साध रही है। वहीं विपक्ष को जवाब देते हुए सरकार ने बेरोजगार युवाओं को तोहफा देने की तैयारी कर ली है। 30,000 नियुक्तियों के लक्ष्य के साथ नई नियोजन नीति तैयार। झारखंड नियोजन नीति के रद्द होने के बाद सरकार लगातार विपक्ष के निशाने पर सवालों का सामना करती हुई नजर आ रही थी। राज्य में बेरोजगारी के मुद्दे पर घिरती हेमंत सरकार ने नई नियोजन नीति तैयार की है। झारखंड के कार्मिक विभाग द्वारा तैयार किए गए इस नए प्रस्ताव को विधि विभाग की सहमति के लिए भेजा गया है। कहा जा रहा है कि झारखंड में नियुक्ति तेजी से शुरू होगी। संभावना जताई जा रही है कि 2 मार्च को होने वाली कैबिनेट की बैठक में इसे पास किया जाएगा। क्या नई नियोजन नीति से बेरोजगार युवाओं को मिलेगा रोजगार? बता दें कि 2 मार्च को होने वाली झारखंड सरकार की कैबिनेट मीटिंग में इस पर सहमति बन सकती है। नई नियोजन नीति आने के बाद पहले चरण में कम से कम 30,000 नियुक्ति करने का लक्ष्य रखा गया है। बता दें कि राज्य सरकार की इस नई नियोजन नीति के प्रस्ताव का आधार वर्ष 2016 के पूर्व लागू नियोजन नीति पर तैयार किया जा रहा है। युवाओं से मिली सलाह के बाद हेमंत सरकार ने यह फैसला लिया है। राज्य सरकार ने युवाओं से राय लेने के लिए भारत सरकार की ब्रॉडकास्टिंग इंजीनियरिंग कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड को ये जिम्मेदारी सौंपी थी। सत्र में आ रहा है क्योंकि आप बिल्कुल बिल्कुल नियोजन नीति फुल प्रूफ नियोजन नीति, कोई ऐसी नियोजन नीति बनाई जा रही है जो कहीं जा करके अदालत में नहीं अटके, और हम पूरी तरह संजीदगी के साथ इस बात को रखा है हमने मुख्यमंत्री जी के पास भी, सरकार के पास भी, कि नियोजन नीति ऐसी हो जिसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं और नियुक्ति की प्राथमिकता होनी चाहिए, सिर्फ टाल मटोल वाली बात नहीं होनी चाहिए। और मुझे लगता है इस बार जो नियोजन नीति आएगी फुल प्रूफ नीति आएगी, सभी बातों पर विचार किया गया है, छात्रों से राय ली गई है, और छात्रों के राय पे जो लोग इसमें शामिल होने वाले लोग हैं परीक्षाओं में जिन्होंने फॉर्म भरा है उन्हीं से राय ली गई, तो इसका मतलब है कि नियोजन नीति स्पष्ट होगी और अब जो इसके सेशन के बाद नियुक्ति अभी जारी है। विपक्ष कर रहा सवाल, कहां है रोजगार? दूसरी तरफ विपक्ष इस मुद्दे पर सरकार को घेरने में लगा है। दूसरे दिन सदन की कार्यवाही के दौरान भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने राज्य में नियोजन नीति लागू करने की मांग को लेकर विधानसभा के मुख्य द्वार पर प्रदर्शन किया। भाजपा विधायकों का कहना है कि मुख्यमंत्री गुमराह कर रहे हैं। कहा था 1932 लाएंगे पर लाए कुछ नहीं, और जो पहले से था उसे भी खत्म कर दिया। इसमें तो बेरोजगार पिस रहे हैं। बेरोजगार युवक जिन्हें मुख्यमंत्री ने कहा था कि 5 लाख रोजगार देंगे, कहा था कि बेरोजगारी भत्ता देंगे लेकिन दिया कुछ नहीं। मुख्यमंत्री केवल गुमराह कर रहे हैं। बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि झारखंड बिहार से भी बदतर स्थिति में पहुंच गया है। ऐसे में राज्यपाल को बिना विलंब किए राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए। हम लोग क्या चाहते हैं, जो झारखंड हित में हो, झारखंड वासियों के हित में हो। मुख्यमंत्री जी तो गुमराह कर रहे हैं कि हम 1932 लाएंगे, 32 लाएंगे, आप 32 भी नहीं ला पा रहे हैं और जो था वो भी खत्म कर दिए। इसमें तो पीछे जा रहे हैं बेरोजगार, जो पढ़ लिख के बेरोजगार बैठे हुए हैं, जिनको उम्मीद था कि इस बार बहाली निकलेगा, हम बहाल होंगे। मुख्यमंत्री जी तो अपना लूट खसेट कोयला चोरी SPDC के माध्यम से, JSMDC के माध्यम से बालू तो लुटवा रहे हैं, टकाटक पैसा गिन रहे हैं, लेकिन बेरोजगार युवक खाने के लिए तरस रहा। चिंता तो उनको मुख्यमंत्री जी को करना चाहिए ना, जो बोले थे कि 5 लाख हम लोगों को रोजगार देंगे, ग्रेजुएशन किए हुआ व्यक्ति को 5,000 हम दे भत्ता देंगे, PG वाले को 7,000 देंगे, भाई किसको मिला? मुख्यमंत्री जी गुमराह करने वाले हैं, गुमराह कर रहे हैं, और बड़ा शर्म होता है ऐसे मुख्यमंत्री जिनका उम्र कम उम्र के मुख्यमंत्री हैं, इनको विकास करना चाहिए, यहाँ सुशासन लाना चाहिए, लेकिन बड़ा दुख के साथ कर रहे हैं कि झारखंड बिहार से भी बदतर हो गया है। और वैसे में महामहिम राज्यपाल को बिना विलम्ब किए हुए राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करना चाहिए। वहीं सरकार का ये भी कहना है कि राज्य की सरकार पहले फेज में 20 मॉडल स्कूलों में छात्रावास बनाएगी, साथ ही सरकार ई रिक्शा की भी व्यवस्था बच्चों के लिए करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी TV।